स्वागत करते हैं आपका इस मोटिवेशनल कहानी में। आजकल की ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक जाता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर जब हम इसी स्थिति में एक मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं तो हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम फिर से जीवन में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यहाँ हम आपके लिए मोटिवेशनल कहानी लाए हैं जो आपकी मनोदशा को सकारात्मक बनाने में मदद करेगी। इस कहानी को देखकर या सुनकर आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहां के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया, उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालत में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता भी की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ भी हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहां के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।